सो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। आज की क्लास में हमें पढ़ने हैं नेस्टेड स्ट्रक्चर और साथ में हम इसके साथ में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर की डिक्लेरेशन और इसका सिंटैक्स। तो सिमिलरली यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर का यानी एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर करना है। सो वी विल यूज ए वर्ड स्ट्रक्ट, STRUCT लिखेंगे। तो इसका सिंटैक्स यही है, पहले आप लिखोगे स्ट्रक्ट एंड देन उसके बाद स्ट्रक्चर का नाम। जैसे आप लिखो यहाँ पे STRUCT1, तो दिस बिकम्स हेयर द स्ट्रक्चर। तो अब एड्रेस और मेमोरी, क्योंकि हर किसी चीज़ को स्टोर करने के लिए वी नीड मेमोरी। जैसे इंटीजर की अपनी मेमोरी होती है, फ्लोट की, डेसिमल की, और सब की अपनी अपनी मेमोरी होती है। सिमिलरली स्ट्रक्चर कैसी मेमोरी असाइन करता है, तो उसके लिए हमें इसके अंदर वेरिएबल्स डिक्लेयर करने होते हैं। समझ आ रही है बात? तो वेरिएबल्स हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, जैसे अगर आपको इंटीजर वाला टाइप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो आप इस तरह लिखोगे इंटीजर, और उसके बाद यहाँ पे इस डेटा टाइप का नाम, जैसे आप लिखोगे INT1। तो इस तरह से आपने क्या किया, एक इंटीजर टाइप को डिक्लेयर किया। अब यहाँ पे जब आपने इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया int 11 के नाम से, तो इसकी मदद से इस स्ट्रक्चर को मेमोरी मिल गई। इसी तरह अगर आप कैरेक्टर यूज करते हो तो आप CHAR लिखते हो और यहाँ पे CHAR11 लिख लो, तो ये आ गया कैरेक्टर। उसके बाद यहाँ पे साइज भी दे सकते हो। तो दिस इज हाउ यू कैन डिक्लेयर ए कैरेक्टर वेरिएबल इन साइड द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अंदर आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हो, तो इन वेरिएबल्स के जरिए से ही इस स्ट्रक्चर को क्या मिल जाती है, मेमोरी और एड्रेस। तो दो तरीके हैं इसके डिफाइन करने के। एक तो आपने यहाँ पे जो है, सबसे पहले आपने यहाँ पे मेन के अंदर ये डिक्लेयर किया, तो मेन के अंदर भी हम ये डिक्लेयर कर सकते हैं और मेन के बाहर भी, ठीक है। इसमें दोनों तरीके सही है। जैसे कि आपने यहाँ पे, और एक तरीका मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, अगर आप यहाँ पे STRUCT स्ट्रक्ट लिखते हो और यहाँ पे स्ट्रक्ट का नाम STRUCT11, ठीक है, तो ये वरना सेम बन जाता। तो इस तरह आपने लिखा तो ये भी स्ट्रक्चर बन गया। उसके बाद यहाँ पे आप जो है इसी तरह ये इंटीजर और कैर डिक्लेयर करोगे वेरिएबल्स दो इसके अंदर। तो ये जो है ये बन गया हमारे पास, क्या शाबाश, ये भी स्ट्रक्चर एक बन गया। बात आ रही है समझ? अब यहाँ पे देखो, जो हमने बाहर इंस्टॉल किया, अंदर वाला तो ऐसे ही यूज होता है जिस तरह हमने अभी किया, लेकिन बाहर वाला जब हम बाहर डिक्लेयर करते हैं तो मेन के अंदर हम इसका जो जो इसकी बॉडी होती है वो हम मेन के अंदर लिखते हैं। जैसे आप इस तरह लिखोगे स्ट्रक्ट, वापस आपको फिर से स्ट्रक्ट लिखना है। अब यहाँ पे जो नाम आपने इसका रखा है तो वही नाम यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, STRUCT। तो ये जो है ये इसका नाम आ गया। अब इसके अंदर आपको क्या क्या बनाने हैं, यानी कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। जैसे यहाँ पे स्ट्रक्ट 11 है तो अब आप STR1 बनाओ, तो ये बन गया एक इसका, ठीक है। इसी तरह अगर आपको अब दूसरा चाहिए तो अब आप STR2 लिखोगे। समझ आ रही है? तो इस ये बन गए इसके क्या मेम्बर्स, तो ये दीज आर कॉल्ड मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर। समझ आ रही है बात? अगर हम यहाँ पे और एक चीज़ यूज करेंगे, जैसे अगर हम इसके अंदर और एक चीज़ डिक्लेयर करेंगे, दैट इज पी। वॉट इज पी? पी इज ए कैरेक्टर टाइप डेटा। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख लो, हमने यहाँ पे जैसे 20 लिखा। अब ये जो पी है स्ट्रक्चर 1, जिस तरह स्ट्रक्चर 2 है इसी तरह पी भी स्ट्रक्चर 3 है, और इसका साइज भी हमने यहाँ पे दिया है 20, बाकी कुछ भी नहीं है। मतलब आप समझ लो कि ये कैरेक्टर टाइप है, ये दोनों इंटीजर टाइप है। बात आ रही है समझ? तो अब दूसरी चीज है वो है कि एक्सेसिंग द मेंबर्स ऑफ ए स्ट्रक्चर, हाउ टू एक्सेस द मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर के जो मेंबर्स होते हैं इनको हम कैसे एक्सेस करेंगे। तो इसमें हमें कैसे करना है, हमारे पास दो तरीके होते हैं, दो ऑपरेशंस होते हैं टू एक्सेस द मेंबर्स ऑफ ए स्ट्रक्चर। जैसे सबसे पहला यहाँ पे हमारा जो है, दैट इज कॉल्ड मेंबर ऑपरेटर, उसको हम बोलते हैं मेंबर ऑपरेटर। यानी मेंबर ऑपरेटर कब हम यूज करते हैं, व्हेन वी हैव टू एक्सेस द मेंबर ऑफ ए स्ट्रक्चर। जब हम स्ट्रक्चर का मेंबर एक्सेस करना चाहते हैं तो देन एट दैट टाइम वी विल यूज द मेंबर ऑपरेटर। और मेंबर ऑपरेटर क्या होता है, लेट अस सी। तो सिंपली हम यहाँ पे एक इंटीजर टाइप मेन ले लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम यूज करेंगे स्ट्रिंग .h, ठीक है। पहले हैश इंक्लूड ST स्ट्रिंग, लेकिन इसमें .h भी यूज करना है, एक है स्ट्रिंग खाली, दूसरी .h, ठीक है, .header file। तो चलिए हम एक स्ट्रक्चर यूज करेंगे जिसका नाम हम रखेंगे पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पर्सन बनाया, उसके बाद यहाँ पे हम ले लेते हैं इंटीजर टाइप एक यानी वेरिएबल, तो जिसका हम पर्सन की क्या क्या चीज़ें होती है, जैसे एक पर्सन की, एक पर्सन का नाम हो गया, ठीक है, वो कैरेक्टर में आएगा। और इसी तरह जैसे आप एड्रेस बोलो तो यहाँ पे एड्रेस ADD हम लिखेंगे, ADDR, ठीक है। तो ये जो एड्रेस है ये आ गया इसका। और तीसरी चीज़ जो है दूसरी चीज़ जो है हमारे पास नेम आता है, तो नेम किस में आएगा, कैर में, तो कैर में हम लिखेंगे NAME। और इसका साइज भी दे देंगे नेम, जैसे आप लिखो 30 साइज, ठीक है, आप कुछ भी नहीं रख सकते। और तीसरी चीज़ जो है दैट इज एज लिखते हैं, ठीक है, तो एज हम लिखते हैं फ्लोट में, हालांकि वो एज उसमें भी आ सकती है लेकिन फ्लोट में भी आएगी, ठीक है। कैसे आएगी फ्लोट में, जैसे 11 मंथ्स 2 ईयर्स, ठीक है, सॉरी 2
2 months, तो इस तरह, ठीक है। उसके बाद देखो, जो मैंने अभी बताया था कि हमारे पास दो तरीके हैं स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने के, एक होता है अंदर, दूसरा होता है बाहर। जैसे मेन के बाहर अगर हम करने वाले हैं, ये चीज हम मेन के बाहर ही करेंगे, कौन, ये जो हमने ये चीज की ना, ये हम मेन के बाहर ही करने वाले हैं। तो उसके बाद यहाँ पे हमें और एक चीज यूज करनी होगी, जैसे पर्सन वन, जिस तरह हमने परसों किया PERSON पर्सन, आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, आप जैसे लिखो मैन वन, तो ये कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इससे। जैसे हमने ऊपर लिखा है पर्सन, आप यहाँ पे पर्सन वन लिख रहे हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बात आ रही है समझ। और उसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं मैन के अंदर। मैन के अंदर हम सबसे पहले कॉपी कराएंगे, यानी जिसमें जिस तरह हमने पर्सन किया था, हम एक बंदे का नाम किस में डाल देंगे, यानी पर्सन वन के, यानी मेन वन में डाल देंगे, ठीक है। तो वो कैसे डालेंगे, तो उसके लिए strcpy, जो मैंने पढ़ाया था, जो कॉपी करती है स्ट्रिंग को, ये यूज करेंगे किसके लिए, मेन वन जो है हमारा, उसमें हमें डालना है क्या, शाबाश, मेन वन के अंदर हमें डालना है नाम किसी का। तो किसका नाम डालते हैं, सुहेल अहमद, ठीक है, सुहेल अहमद का हमने नाम डाल दिया किसमें, ये तो मैंने परसों पढ़ाया, ठीक है, इसको समझाने की जरूरत नहीं। यानी ये जो सुहेल अहमद है, इसका ये जो सुहेल अहमद है, ये जाएगा किसमें, मेन वन में, ठीक है, किसकी मदद से, एसटीआर कॉपी की वजह। तो दूसरी चीज हम यहाँ पे इसका, इसके और दो वैल्यूज है, जैसे हमने तीन चीजें ली है ना, एक तो नाम लिया है, ठीक है, दूसरा हमने क्या लिया है, एड्रेस। तो इसी तरह हम यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें और एक चीज यूज करनी है, जैसे मेन वन, मेन वन, तो यहाँ पे हमें डॉट इसका नेम लेना पड़ेगा, मैन वन डॉट नेम, यानी इसका नाम जो है वो आएगा आप सुहेल अहमद। तो ये चीज आपको याद रखनी होगी। अब ये जो डॉट हमने यहाँ पे यूज किया ना, दैट इज कॉल्ड मेंबर ऑपरेटर, इसी को हम मेंबर ऑपरेटर बोलते हैं। अब उसके बाद अगर आप इतना ही लिखना चाहते हो और यहाँ पे आके प्रिंट निकाल रहे हो, तो जैसे आप यहाँ पे लिखोगे प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ के अंदर आप यहाँ पे जैसे नेम ऑफ ए पर्सन, तो यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे परसेंट एस यूज करोगे, परसेंट एस क्यों, बिकॉज ऑफ द सेटरिंग, ठीक है। यहाँ पे आप स्लैश एन भी यूज कर सकते हो, क्योंकि हमने एक ही चीज लिया, तो जरूरत नहीं है स्लैश एन की। तो यहाँ पे कॉमा करके पर्सन, शाबाश, पर्सन की जगह हमने क्या लिखा है, मैन वन, तो मैन वन डॉट, शाबाश, वेरी गुड, मैन वन डॉट नेम, बस इतना लिखना है, देन यू हैव टू क्लोज इट। जैसे आप क्लोज करोगे, उसके बाद सेव करोगे, और रिटर्न अगर आप लिखना चाहते हो, तो यहाँ पे आप लिख लो रिटर्न RETURN, रिटर्न जीरो, एंड देन क्लोज इट। जैसे आपने क्लोज किया, उसके बाद सेव करते हैं, एंड लेट अस रन द प्रोग्राम। जैसे एग्जीक्यूट करेंगे, तो यहाँ पे बता रहा है नेम ऑफ पर्सन वन इज सुहेल अहमद, ये हमने प्रीडिफाइंड यहीं से दे दिया, अदरवाइज आप यूजर से भी ले सकते हो। तो इस तरह से आप जो है सिंपली जिस ऑपरेटर मेंबर्स को एक्सेस इस तरह कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड मेंबर ऑपरेटर। अब जो हमें तीसरी चीज आज पढ़नी है, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड स्ट्रक्चर। अब नेस्टेड स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, पहले ये समझते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर एक प्रोग्राम करते हैं। नेस्टेड का मतलब, जिस तरह नेस्टेड इफ था, तो उसमें हम क्या करते हैं, एक इफ के अंदर दूसरा इफ यूज करते थे, है कि नहीं, तो दैट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। सिमिलरली नेस्टेड स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, यानी जब हम एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड नेस्टेड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर यूज करूँ strcpy, स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करेंगे, और जैसे आप यहाँ पे नाम लिखो वही जो आपने अभी लिखा, पर्सन वन, PERSON, आप पर्सन रख लो, तो उसके बाद, सॉरी ये वाला नहीं, तो उसके बाद ये ब्रैकेट डाल दो। अब इस पर्सन के मैंने बताया, यहाँ पे हम क्या बनाते हैं, मेंबर्स, नेम इंटीजर में लिखेंगे, एज इंटीजर नहीं, हम कैर और एक यूज करेंगे char, एंड इट्स वेरिएबल नेम विल बी एड्रेस, तो ये इसका भी आप यहाँ पे साइज अनडिफाइन रखो, एंड थर्ड थिंग इज दैट इज फ्लोट, फ्लोट में आप ले लो एज। तो ये तीन चीजें हमने ले ली, और इसको इसी तरह डायरेक्टली क्लोज कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है यहाँ पे हम, मैंने अभी बोला था कि दीज आर कॉल्ड द मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर, एंड यहाँ पे आने के बाद अब हम जाएंगे इससे बाहर, यानी इस पर्सन, यानी पर्सन जो है इससे बाहर जाएंगे। तो अब हम दूसरा स्ट्रक्चर strcut, एक और स्ट्रक्चर यूज करेंगे, जिसका नाम हम कुछ इसी तरह रखेंगे, जैसे मैन वन, ठीक है, या मैन रख लो मैन, एंड लेट अस स्टार्ट इट इज बॉडी। बॉडी के अंदर हम क्या लिखेंगे, इसके अंदर हम देखो, अब यहां पे आप समझ लो नेस्टेड का मतलब क्या होता है, ये हमने सिंपली एक बनाया बाहर क्या, एक स्ट्रक्चर, ठीक है, और अब हम अंदर और एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, हालांकि ये इस स्ट्रक्चर के अंदर नहीं है, ये इसके बाहर है, ठीक है, लेकिन ये जो अब हम स्ट्रक्चर बनाए, इसके अंदर हम इस स्ट्रक्चर को भी कॉल करेंगे, किसको, जो पहला वाला बनाया, एग्जैक्टली। तो यहां पे मैं strcut स्ट्रक्ट, उसके बाद यहां पे उसका नाम लिखूंगा PERSON, पर्सन। तो तीसरी चीज जो यहां पे हम यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड, यहां पे आप इसका शॉर्ट फॉर्म क्रिएट करोगे, क्या करोगे, शॉर्ट फॉर्म, आप कुछ भी लिख सकते हो, PER लिख लो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे इसको कॉल करना इजी रहेगा, जैसे अभी मैंने वहां पे किया था ना, वो याद है ना,
स्ट्रक्चर का, जैसे मैंने स्ट्रक्चर वन का नाम रखा था पहले स्ट्रक्चर, देन स्ट्रक्चर, फिर स्ट्रक्चर वन, स्ट्रक्चर टू, एसटीआर वन, एसटीआर टू, एसटीआर थ्री, फिर पी भी किया था। तो ये उसी तरह है, यानी यहाँ पे मैं पहले कॉल कर रहा हूँ किसको, स्ट्रक्चर को, फिर इसके अंदर यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, वेरिएबल नहीं आप समझ लो कि ये मेंबर बनाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको आ गई समझ। तो अब दूसरी चीज, इसके अंदर मैं और एक इंटीजर लूंगा, जैसे कि इंटीजर के अंदर हम लेंगे सैलरी, सैलरी इंटीजर हमने किसके अंदर डिक्लेयर किया, मेन के अंदर, मेन के अंदर पहले आप समझ लो कि इसके अंदर एक तो ये तीन चीजें आ गई बाय डिफॉल्ट, इसको कॉल करने से एक तो ये तीन चीजें आ गई और चौथी इसमें आ गई सैलरी भी, बता रही है समझ। तो यहाँ आप यहाँ पे इसके कुछ और भी जैसे हैं, आप यहाँ पे कुछ और चीजें इसके साथ ऐड कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे मैन वन यूज कर लो एंड देन कॉमा करके मैन टू, मैन टू। तो अब इन मैन टू की कितनी प्रॉपर्टीज होंगी जरा बताओ, टोटल में कितनी प्रॉपर्टीज होंगी इसकी, एग्जैक्टली चार प्रॉपर्टीज, यानी चार वेरिएबल्स है इसके साथ, एक तो ये तीन और चौथा इसका। अगर आप इस पर्सन की बात करें तो इसकी खाली तीन ही प्रॉपर्टीज है, या आप बोल सकते हो वेरिएबल्स, बात आ रही है समझ। तो इस तरह हम नेस्टेड यूज करते हैं। तो इसके ऊपर आप एक प्रोग्राम करके लाना, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो मुझे मैं कल दिखाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।